इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप क्लास 10th में हो तो कैसे आपको मैनेज करनी है अपनी बोर्ड्स एंड जेई को टुगेदर। तो सबसे पहली चीज़ कि बोर्ड्स के लिए ओवर प्रिपरेशन नहीं करनी है, मतलब ऐसा मत करना कि अभी से ही आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने लग जाओ। मतलब कई बच्चे ऐसी बहुत हाइपरगिरी करते हैं कि ओ 10th बोर्ड्स आ रहे हैं। भाई 10th बोर्ड कुछ नहीं होता है, मतलब आप बाद में 11th 12th में जाओगे ना, आपका 11th का एक ढंग का चैप्टर भी पकड़ लेंगे ना, वो आपकी पूरी 9th प्लस 10th कंबाइंड से ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। और मैं डिफिकल्ट चैप्टर की भी बात नहीं करूँगा, सिंपल सा, मतलब काइनेमेटिक्स, आप काइनेमेटिक्स पकड़ लो 11th का, वो आपकी 9th प्लस 10th कंबाइंड से ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, एक चैप्टर। तो बोर्ड एग्जाम को लेकर अगर आपको 6 महीने तक तैयारी करनी पड़ रही है, उसके बाद फिर 94% आके फिर खुश हो जा रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, आते हो मेरा बच्चा स्मार्ट है, मेरी बेटी दी स्मार्ट है, भाई यू आर इन फॉर अ वेरी बिग रेकनिंग, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो बोर्ड्स पे इतना ध्यान अगर देना है दे सकते हो, बट यार फिर जेई का मुझे नहीं लगता कितने चांसेस हैं, ठीक है। मतलब आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट समवन हु डिजर्व्स टू क्लियर जेई वो एटलीस्ट 10th क्लास तो 1 महीने में पढ़ के निकाल लेगा, ठीक है, बींग वेरी ऑनेस्ट हियर, ओके। तो जेई प्रेप के लिए, सॉरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अगर आपके मार्च में, मैं एवरेज कर मानता हूँ कि मार्च 1 से लेकर 31 मार्च तक आपके एवरेज आई एम अज्यूमिंग एग्जाम्स हैं, तो आपको फेबररी 1 से लेकर जेई का छोड़ देना चाहिए, जेई का सोचना भी नहीं चाहिए, और जनवरी 15th 20 तक आप जेई का पढ़ सकते हो। तो आपके पास एग्जैक्टली 3 महीने हैं, ठीक है। तो इन 3 महीने में पूरी तरह से जेई में घुस जाओ। मैंने आई थिंक एक दो वीडियो पहले आपको बताया था कि कैसे जेई प्रेप करनी है आपको 10th, मतलब इस पीरियड में, तो वो देख लेना स्ट्रेटजी के लिए, और यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा उस चीज़ को। बट ये जो 2.5-3 महीने का पीरियड है, इन दिस टाइम यू शुड बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन जेई एंड जेई ओनली। स्कूल वूल जाओ, स्कूल का थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा देखा करो दिन में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरप्राइज हो जाओ लास्ट में कि सोशल साइंस का इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है और पता नहीं आप फिर सोचो ये क्या हो गया, राइट। इट शुड नॉट सरप्राइज यू, 1-2 घंटा पढ़ना है स्कूल का भी, स्कूल जाना है, बट जेई प्रेप पे 80% ध्यान देना है। फिर जब आपका जनवरी एंड हो जाए तब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह शायद आने शुरू होंगे, या 10th क्लास में प्रैक्टिकल होते हैं क्या तुम लोग के, मुझे नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बता देना भाई, 10th क्लास में आपके बोर्ड में प्रैक्टिकल होते हैं क्या, मुझे तो याद भी नहीं यार, कितना टाइम हो गया, मतलब इट वॉज लाइक 10 ईयर्स बैक नाउ, ठीक है। एनी वे, सो आपके प्रैक्टिकल्स आएंगे, प्री बोर्ड शायद होते हो स्कूल में, है ना, एंड फिर आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो फाइनल एग्जाम में मैं कहूँगा इंटरफेरेंस मत करना, एंड इन ओनली 1 केस यू शुड डू एन इंटरफेरेंस, अगर आपका पूरा बोर्ड सच में तैयार है, ठीक है। जैसे इन माई केस इट वॉज रेडी, क्योंकि जैसे NTSC के लिए मैं सोशल साइंस वगैरह भी पढ़ रहा था, इंग्लिश मुझे नेचुरली पसंद थी, किताबें पढ़ना इंग्लिश की तो मैं पढ़ता था, तो दैट वॉज देयर, ठीक है। तो प्रिपरेशन थी, और PCM तो प्रिपेयर ही रहता है अपना, राइट, आई एम अज्यूमिंग आपका भी प्रिपेयर ही होगा अगर आप एक अच्छे सीरियस जी एस्पिरेंट हो। तो प्रिपरेशन थी मेरी, तो मैं जो पीरियड होता था ना, मतलब बोर्ड से पहले, उसमें भी मैं तो जेई का पढ़ता था आराम से और दुम दबा एकदम फुल भयंकर पढ़ता था, ठीक है। जैसे मुझे याद है 2015 में आई थिंक मैंने रश्मि खाली क्रेन बुक मंगाई थी, और वो मेरे पापा ने मुझे पढ़ने ही नहीं दी थी कि 10th बोर्ड हो जाए फिर पढ़ना, ठीक है। तो वो मुझे याद है तब वर्ल्ड कप चल रहा था 2015 वाला, ये क्रिकेट वाला, ठीक है। तो उसमें मुझे याद है कि मैंने मैच भी देखा था वो फाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पता नहीं किसके साथ था, शायद साउथ अफ्रीका के साथ था। तो वो मुझे याद है कि मैंने रेसनी खेलटी क्रेन आई थी और मैंने उसको पूरा पढ़ना चालू कर दिया था 11th में, और 11th में मैं जेई प्रेप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था मैं, पता है, मतलब 11th में ऐसा रहता था कि जिस दिन मेरे कोचिंग में ऑफ और संडे, वो और उससे पहले वाला दिन मैं केवल रेसनी खेलटी क्रेन पढ़ता था हफ्ते में 4 दिन, और केवल 3 दिन में मैं होमवर्क करता था कोचिंग का, हालांकि मैं फास्ट भी था। तो पॉइंट ठीक है, एनी वे साइडवेज हो गए हम, पॉइंट बीइंग कि आपको ना जेई प्रेप पे ध्यान दे सकते हो, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर जेई, प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स, अच्छे से तैयारी है तो आप जेई प्रेप कर सकते हो। और एग्जाम्स में क्या है, कई बार 5-5 6-6 दिन की छुट्टी होती है, तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि पहले के 3 दिन आपने, लेट से 1st दिन आपने देख लिया कि यार मुझे आता है कि नहीं आता है बोर्ड्स का, आता है तो फिर 2 दिन आप जेई का पढ़ लो, फिर लास्ट के 3 दिन आपने रिविजन मार लिया, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है। सो आई होप आपको एक मैंने रफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि जेई प्रेप कैसे करनी है 10th बोर्ड के साथ। बॉटम लाइन इज, इफ़ यू आर समवन इंटेलिजेंट, बोर्ड्स में नंबर लेके आ जाओगे, कुछ भी हर कुछ करके नहीं आओगे, देन प्रिपेयर फॉर जेई, ओके। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, विच आई एम अज्यूमिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे, जिसका 10th बोर्ड ही बहुत खराब जा रहा है, जिसको लग रहा है कि भाई मेरे तो 80% भी नहीं आएंगे, अगर ऐसी स्थिति है ना भाई, तो ये जेई प्रेप छोड़ दो और अपने बोर्ड्स पर ध्यान दो, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होता, मतलब बोर्ड्स में अगर फेल हो गए और जेई प्रेप 11th 12th तक की कर ली ना, तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है, कोई सेंस नहीं उसका, राइट। सो 10th क्लास हमें पास करनी है 90% से ज़्यादा के साथ पास करनी है, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है जेई प्रेप करने का, ठीक है। तो 90% का कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बोर्ड्स पर ध्यान दो,
ओके, जेई प्रेप के लागे बहुत टाइम है, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन प्रिपेयर फॉर जेई। एंड यदि और हेल्प चाहिए तो आज लास्ट डेट है टू गेट माई JEE 27 कोर्स फॉर जस्ट ₹3,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो जाके उसको ले लेना। उस कोर्स से आपकी 10th भी पूरी रिवाइज हो जाएगी फॉर योर बोर्ड्स, एंड उसमें 11th 12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं जिनसे आप काफ़ी कुछ सीखोगे। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उसमें, और आप 11th में जाने से पहले ही एक टॉपर बच्चे बन जाओगे जो हाथ रेस कर करके सबको अनाए करेगा क्लास में। सो दैट वॉज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। नीचे आपको और वीडियोज़ मिल जाएंगी, और लिंक्स मिल जाएंगे फॉर रिसोर्सेज एंड सोशल्स एंड ऑल। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।